हेलो फ्रेंड, इंडिया न्यूज़ स्पोर्ट्स में आप सभी साथियों का स्वागत है। मैं आपको बताऊं कि फुटबॉल जगत से बहुत बड़ी खबर आ रही है। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अपने कोच को बर्खास्त कर दिया है। हमारे साथ फुटबॉल एक्सपर्ट उज्ज्वल जी जुड़ चुके हैं, वो बताएंगे पूरा मामला। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अपने कोच होजे मोरिनियो को बर्खास्त कर दिया है। लिवरपूल से 3-1 की बहुत बड़ी शिकस्त मिली मैनचेस्टर यूनाइटेड को, और उसके एकदम बाद बहुत सारे मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस ये काफ़ी दिनों से चाहते थे, बट बहुत सारे थे जो उनके सपोर्ट में भी थे। तो जैसे ये खबर आई तो एक बहुत बड़ी न्यूज़ बिल्कुल फुटबॉल जगत में बन गई है, और साथ के साथ मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अपने एक बहुत पूर्व खिलाड़ी जो काफ़ी लेजेंड बोला जाता है उनको अपने क्लब में, ओले गुनर सोलशार को केयर टेकर मैनेजर सीज़न के एंड तक अपॉइंट किया है। तो उनसे अब ज़्यादा उम्मीद तो नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ तक उनका कोचिंग का एक्सपीरियंस है इतना कुछ खास नहीं रहा है। कार्डिफ सिटी को उन्होंने 2014 में कोचिंग करी थी, बट कुछ इतना नहीं है उनके पास एक्सपीरियंस। शनिवार को मुकाबला होना है, उसे किस लिहाज से देखते हैं? हाँ, तो उनका पुराना क्लब है कार्डिफ, ओले गुनर सोलशार कोच थे वहाँ 2014 में, तो वहाँ जाएंगे, पर नया कोच है, नए प्लेयर्स के साथ क्या उनका तालमेल रहेगा, 5 दिन में कितना कुछ प्लेयरों को जान सकेंगे, किन फॉर्मेशन पे काम हो सकेगा, काफ़ी मुश्किल है। तो मेरे हिसाब से अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड कार्डिफ का मैच अगर ड्रॉ भी कर लेता है तो उसे ओले गुनर सोलशार की जीत ही माना। तो यूनाइटेड काफ़ी पिछले अरसे से काफ़ी खराब प्रदर्शन से दौड़ से गुजर रही थी, कहीं ना कहीं इसकी पीछे वजह मानी जा सकती है निकाल? ज़रूर मानी जा सकती है। थोड़ी देर पहले मोरिनियो ने यूएफा कप ज़रूर जीता था, जिसको सपोर्टर्स उनके काफ़ी बड़ी जीत मानते थे, बट मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसे क्लब को एक लीग टाइटल और एक चैम्पियंस लीग में काफ़ी ऊपर जाना एक बहुत बड़ा क्लब है। हाँ, बड़ा क्लब है, तो बहुत आम सी बात होनी चाहिए जो नहीं रही है। नहीं रही, तो और जो उनका प्ले था वो भी काफ़ी स्लो था, ज़्यादा फ्री फ्लो फुटबॉल जो मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब सालों से खेलता है वो नहीं थी। टीम हमेशा गोल के पीछे ही रहती थी, ज़्यादा अटैक नहीं बन पाते थे, जो बन पाते थे वो बहुत ही इक्का दुक्का रहते थे। तो क्लब्स के जितने सपोर्टर्स थे वो चाहते थे एक नया चेंज आए, और यही कारण है और कि मैनचेस्टर यूनाइटेड मैनेजमेंट ने भी सोचा कि अब नया कोच आना चाहिए, और 3-1 की शिकस्त लिवरपूल से तो काम तमाम ही बोल सकते हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड जिस हिसाब से मतलब बड़ा क्लब है, उसे तो झटका कितना बड़ा झटका होंगे फैंस के लिए भी, लोगों की उम्मीदें थी, तो किस हिसाब से मतलब एक काफ़ी अरबों का भी नुकसान हुआ इनके जाने से? देखिए, हाँ, कुछ 1.6 मिलियन पाउंड्स बोलते हैं जो मैनचेस्टर यूनाइटेड को लॉस हुआ है इनके जाने से, बट मैनेजमेंट बोलती है कि ठीक है, अगर इतना झटका हम सह सकते हैं, अगर क्लब को नया चेंज चाहिए, फैंस को नया चेंज चाहिए, तो हम इतना झटका सह सकते हैं। पीजी से चैंपियन लीग्स में पीजी से मुकाबला होना है, उसे आप कैसे देखते हैं? पीएसजी देखिए बहुत बड़ा क्लब है, काफ़ी बड़े नाम है वहाँ, मबापे खेलते हैं, कवानी खेलते हैं, बहुत अटैकिंग टीम है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की फुटबॉल खेलते हैं। मबापे को अभी अवार्ड भी मिला है, उस हिसाब से ओले गुनर सोलशार का एक्सपीरियंस नहीं है चैम्पियंस लीग में, खेले बहुत हैं, जीते भी ज़रूर हैं, लेकिन एक मैनेजमेंट को लेके उनका बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। तो मेरे को तो लगता है अगर यूनाइटेड शिकस्त तो उन्हें मिलेगी ज़रूर, मेरे हिसाब से मानते हैं कि शिकस्त झेलनी पड़ेगी, शिकस्त तो झेलनी पड़ेगी पीएसजी से, बस वो शिकस्त इतनी बड़ी ना हो कि ये झटका वो फिर से बर्दाश्त ना फैंस के लिए भी मतलब ना फैंस के लिए ना कर पाए। तो अगर 2-0 से भी हार जाएं तो ठीक है, बट अगर 2-5 हो गए तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं, तो दिक्कत वाली बात है। तो देखिए, आपने जाना कि यूनाइटेड के लिए कितना बड़ा झटका रहा है, और नए कोच आए हैं, देखते हैं कि टीम किस हिसाब का प्रदर्शन करती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।